लोकसभा चुनाव से पहले बुलंदशहर पुलिस ने हथियारों का जखीरा बरामद करते हुए अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। गुलावटी के गांव चढ़ावक निवासी हथियारों का सौदागर मुंशी पुत्र मटरू भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने भारी मात्रा में बने अधबने तमंचे व हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस की माने तो आरोपी से बने हुए 13 तमंचे और 10 अधबने तमंचों समेत 6 नाल, 4 जिंदा व खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं। शातिर द्वारा बुलंदशहर के अकबरपुर झोजा रोड पर आम के बाग में अवैध शस्त्र की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। पकड़े गए शातिर पर गुलावटी थाने में 17 आपराधिक मामले पूर्व से दर्ज हैं। बीती रात मुखबिर की सूचना पर गुलावटी पुलिस ने हथियार बनाने के सियाह धंधे का भंडाफोड़ किया। ये थाना गुलावटी क्षेत्र में एक शातिर अपराधी है जिसका कि नाम मुंशी है। उसके द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था जिसका कि भंडाफोड़ गुलावटी थाना पुलिस के द्वारा किया गया है। इसके पास से 12 तमंचे बने हुए, उसके अलावा 10 अतिरिक्त अधबने तमंचे और एक 12 बोर का तमंचा, कुछ कैश और अवैध शस्त्र बनाने के विभिन्न उपकरण इसके पास से बरामद हुए हैं। इस व्यक्ति का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। 2 दर्जन से अधिक इसके ऊपर मुकदमे पंजीकृत हैं। इससे पूछताछ करते हुए, बरामदगी करते हुए इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। सर, चुनाव से ठीक पहले पुलिस को ये कामयाबी हाथ लगी है, क्या लोकसभा चुनाव में भी ये सप्लाई करने जा रहा है? देखिए, जो इससे पूछताछ हुई है, इसने ये स्पष्ट बताया है कि ये चुनाव के लिए ऑन डिमांड इन चीज़ों का निर्माण कर रहा था। इससे और विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इसके लिंकेजेस फॉरवर्ड और बैकवर्ड वो हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि कहाँ से ये माल लाता था और कौन कौन इसके खरीदार। देखिए, जैसा मैंने बताया, ये इस पे 28 के करीब मुकदमे और 2004 से ये अपराध कर रहा है और इसके कई कॉन्टैक्ट हैं, जनपद के बाहर के भी कॉन्टैक्ट हैं, उन सभी को हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं। टाइम 24 न्यूज के लिए बुलंदशहर से इकबाल सेफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।